People are dying because of heat waves, Nakshals, derailed trains, plane crashes, kites, movie. And knowing the way Mother Nature is swinging these days, I'm sure there will be more casualties in the very near future. And if not casualties, then of course people will die completing their life cycles. This piece of information is not news to you. Everybody knows it. So all I want to say is, let's not get scared of death. If you're not happy with something or someone, then go ahead and express your dislike. That's what we do on this show, and that's what we will do till the end. After you've heard this piece of useless advice, if you start doing exactly what you feel like, and in the processes, if you get hurt or killed, then we are not responsible. You would have died one way or the other. Jai Hind. हेलो हेलो, वेलकम टू जय हिंद. मैं हूं सुमित राघवन और मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए पहना है क्योंकि मैं योगा सीखता हूं और रोज सुबह अपने पड़ोसियों को और बिल्डिंग वालों के लिए योगा क्लासेस भी कंडक्ट करता हूं. यस, आई एम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर स्ट्रेट फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग गुरु श्री श्री रविशंकर. और वहां आजकल ये पहनना बहुत कंपलसरी है. जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले श्री श्री रविशंकर बाबा पर ओपन फायरिंग की न्यूज आई थी, लेकिन फिर पता चला कि वो फायरिंग उन पर नहीं हुई थी, उनके भक्तों पर हुई थी. और इस बात से श्री श्री रविशंकर जी नाराज हैं. आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो नाराज क्यों हैं. प्लीज वेलकम आर्ट ऑफ लिविंग के महान गुरु श्री श्री रविशंकर जी. हरिओम हरिओम. नमस्ते बाबा जी. नमस्ते. नमस्ते बाबा. नमस्ते बाबा. आई एम नॉट ए बाबा. मैं वो सब कुछ भी नहीं करता हूँ जो आजकल के बाबा लोग करते हैं. वैसे सच्चाई क्या है? पुलिस का कहना है कि फायरिंग आप पर नहीं हुई. सब झूठ बोलते हैं, वो फायरिंग मुझ पे ही हुई. ओह माय गॉड. लेकिन आप तो पीस और नॉन वायलेंस का प्रचार करते हैं, आप पर गोली क्यों चलेगा कोई? आई मीन, मां मुझे तो पुलिस की रिपोर्ट ठीक ही लगती है. आपके किसी भक्त पर किसी ने गोली चलाई होगी. वो फायरिंग मुझ पर ही की गई थी. गांधी जी भी तो पीस और नॉन वायलेंस के प्रचारक थे जी, उन पर भी फायरिंग हुई थी ना. गांधी जी कितने महान पुरुष थे. आप अपनी तुलना गांधी जी से कर रहे हैं? It's just that, उन्हें भी कभी नोबल प्राइज नहीं मिला और मुझे भी कभी नोबल प्राइज नहीं मिला. सो देयर इज अ सर्टेन सिमिलरिटी. अच्छा अच्छा. यू कैन से नहीं नहीं, मैं उतना पागल नहीं, लेकिन वो फायरिंग मुझ पर ही हुई थी. किसी टेररिस्ट कैंप वाले ने वो हमला मुझ पर करवाया था. लेकिन ये टेररिस्ट वालों को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो आप पर क्यों फायरिंग करेंगे, है ना? उनका धंधा है वायलेंस बेचना और हमारा धंधा है नॉन वायलेंस बेचना. एंड अज्यूम कि आपका धंधा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके राइवल्स को कोई इसमें दिक्कत आई होगी. करेक्ट, है ना? हरिओम हरिओम. सो पीस और नॉन वायलेंस का प्रचार इज बेसिकली नथिंग बट पैकेजिंग, अल्टीमेटली इट्स बिजनेस. वो जो भी हो, लेकिन आप मानते हैं ना कि वो अटैक मुझ पर ही हुआ था. आप इतना प्रेशर डाल रहे, प्रेशर डाल रहे तो मानना ही पड़ेगा, वरना आप मुझ पर अटैक करोगे. तो खैर, लेकिन मुझे ये कहना था कि हमारे शो पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया था, वो आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं. शैल वी टेक द कॉल? यस यस श्योर. व्हाई नॉट, मैं कहां उनसे डरता हूं. लेकिन वो अटैक मुझ पर ही हुआ था. मैं तो चाहता हूं वो मेरे आश्रम में आए, हमारे साथ योगा करें और फिर जाकर के प्यार और नॉन वायलेंस फैलाएं. एक एक. हेलो. हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे ये ब्रदर, लेट मी क्लियर वन थिंग. उस आराम के बच्ची पर अटैक
हम लोगों ने ही किया थी। देखा देखा, मैं बोला था ना। हाँ हाँ, आप हिलना जरा कम कीजिए। लेकिन आप इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? इसने हमारे साथ गद्दारी की है, ये चीटर है, ये आपके साथ है? ओ नहीं तो क्या, देखो हमारा ही तो यूनिफॉर्म पहनती है। अब अब्दुल मसूद का कुर्ता पहनकर पीच पर लेती है, ऐसे कैसे कर सकती हो? ओ भाई आप कुछ भी बोल रहे हो यार, ये बहुत बड़े योगा गुरु है, पीस गुरु है ये। कहे को पीस गुरु शैली, इसके बैक लोग प्रवचन सुनने के लिए गन लेकर आती, गन गन। वो लोग मेरे आश्रम में अपने गन और हथियार हमेशा के। अच्छा, जोर से बोलिए, दूर है ना, जोर से बोलिए। वो लोग मेरे आश्रम में अपने गन और अपने हथियार लेकर के हमेशा के लिए त्यागने आते हैं, सरेंडर करने आते हैं। योगा 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 करती है, असली योगा गुरु तो रामदेव है, रामदेव। उसको देखकर ऐसे लगती है जैसे योगा का बॉडी बनाती है। ये तो साला योगा गुरु होके बॉडी छुपाता है, साला छुपाता है। इसका 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 कुर्ता ऊपर करो, देखो बियर बैली देखेगी, बियर बैली है। आई डोंट थिंक सो। स्वामी जी, इन्हें आप अपना योग शरीर दिखा दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए चुप कराइए, दिखाइए। क्या बताइए, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं साबित कर सकूं कि वो फायरिंग मुझ पर ही हुई थी। गुड बाय, हरिओम हरिओम हरिओम। आई फॉरगिव यू ऑल। व्हाट? आई फॉरगिव यू ऑल। आई फॉरगिव, फॉरगिव बोला, फॉरगिव। यू नो नॉट व्हाट यू आर डूइंग। हरिओम हरिओम हरिओम। देखा, वो फायरिंग मुझ पर ही हुई। हरिओम हरिओम हरिओम। खैर हाँ जी, टेरेस भैया आप कुछ और बोलना चाहेंगे? देखा नहीं, दिखा है ना अपना पेट, पेट नहीं दिखा है उसने। नहीं नहीं नहीं, उनको छोड़ो, अभी वो गए यहाँ से। अच्छा तुम कब जाओगे यार, तुम ये आतंकवाद कब खत्म करोगे? प्लीज यार, नॉट अगेन यार। पर बीवी भी यही बोलती है, हे अब तुम मत शुरू करो। हाँ अरे लेकिन जो गलत है वो गलत है ना यार। बज ऑफ मैन, एवरीवन हेट्स द ट्रूथ एंड गोज अवे फ्रॉम मी। You don't go away, क्योंकि ब्रेक के बाद है अफ्रीका में चार अंगूठा वाला एक कुत्ता, एलएनएन शेरपा तेनसिंह का भूत और ढेर सारी बकवास। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।